नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई कतर से रिलेटेड। ये मैं समझना कि आप लोग में यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड ही ऑफर लेटर पे वीजा पे वीडियो बनाते हैं लोग, बेवकूफ बनाते हैं। गल्फ कंट्रीज के नाम से भी बहुत ज्यादा लोग बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के नाम से अच्छे जॉब ज्यादा सैलरी, इस नाम से लोग बेवकूफ बन जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कतर से रिलेटेड। जी हाँ भाई, देखिए जॉब से रिलेटेड बात करेंगे। ऑफर लेटर में आपको दिखाऊंगा कि आप सोच नहीं सकते, इतना बड़ा ऑफर लेटर, 29-30 पन्नों का ऑफर लेटर कभी आपने जिंदगी में देखा है? जी हाँ साथियों, मैं दिखाऊंगा 30 पन्नों का ऑफर लेटर है। जॉब प्रोफेशन की बात करें तो मैं बता, कार वाशर। जी हाँ साथियों, कार वाशर का जॉब है। 200 लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी ऑफिस, बॉम्बे ऑफिस में। जी हाँ, सोचने की बात है। सैलरी की बात करें तो सैलरी बताइए 1000 कतरी रियाल प्लस आपको टिप अलाउंस वगैरह मिल जाएगा। जी हाँ, खाना भी उसी में बताया गया है। बाकी ये चीजें तो नॉर्मल है, चलो हो ही जाती है। 1000-1200 सैलरी मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि कतरी जो कानून बना है, लेबर लॉ बना है, बता दूं 2021 में, वो अभी मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें 1800 रुपए सैलरी बताई गई है। यानी बात करें तो 500 रुपए तो आपको रूम रेंट मिलेगा, बाकी 1300-1300 रुपए आपकी सैलरी होनी चाहिए। इस तरह से कुछ मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। इसमें लेबर की सैलरी बिल्कुल जीरो लेवल की, इतनी सैलरी नहीं होनी चाहिए। खर्चा बताया गया 40,000 का, इस अगर जॉब में बात करें तो। अब हम आ जाते हैं ऑफर लेटर पे। आगे बढ़ने से पहले जाऊंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दे भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि गल्फ कंट्रीज कतर से रिलेटेड नई नई अपडेट हर रोज आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अभी ये देख सकते हैं ऑफर लेटर, देखिए आप शुरू से लेके अगर ऊपर आप देखोगे 29 पेज ऑफर लेटर पीडीएफ। जी हां, 29 पेज का ऑफर लेटर भाई, पूरा कतर का लोई उसने डाल दिया। इसमें देखो सब्जेक्ट जॉब ऑफर लेटर आ गया, एम्प्लॉयर नेम, कहीं आपको एम्प्लॉयर का नेम दिख रहा है भाई? मतलब जिसके नाम से ऑफर लेटर आया है, कोई इसमें नाम नहीं है, ठीक है? ऊपर कोई कंपनी का नाम नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई कंपनी की ईमेल आईडी, कोई फैक्स नंबर वगैरह कुछ नहीं है। देखिए इसमें बेसिक सैलरी 1000 पर मंथ आपको दी गई है, हाउसिंग प्रोवाइड बाई कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, प्रेपरेशन पीरियड 6 मंथ, यानी पहली बार 6 महीने की ट्रेनिंग आपको दी गई है, जबकि 6 महीने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, हद से 3 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। वर्किंग आवर्स यानी 12 घंटे की ड्यूटी की मेरे भाई, कितनी तनखा है? 200 खाने के छोड़ दो, 800 रुपए में 12 घंटे ड्यूटी है। ले भाई, पता नहीं ये बंदे ने किस तरह से ऑफर लेटर बनाया। आगे देख सकते हैं भाई, देखो उसमें पीरियड ऑफ कॉन्टेक्ट 4 साल का होता है भाई, 4 साल का वीजा है, 21 दिन की आपकी छुट्टी मिलेगी लास्ट में, टिकट एलिजिबिलिटी आपको 2 साल कम्प्लीट होने पर मिलेगी भाई, जबकि 1 साल का ऑप्शन होता है, इसमें 2 साल लिखा गया है। आगे श्योरिटी बॉन्ड भी इसमें दिया गया है 5000 का। पता नहीं किस तरह से भाई ऑफर लेटर बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन एंड ट्रिमिटेशन सर देख लो, हेल्थ केयर की नोइस पीरियड, पता नहीं यार। आप देखिए आगे से, आगे आप देखो, पहला पेपर इंग्लिश में है, सेकंड पेपर हिंदी में है। जी हाँ, फिर ये इंग्लिश में पेपर आ गया आधा, और आधा हिंदी में आ गया, देख सकते हैं आप। लोन का पता नहीं क्या उर्दू में भी आ गया भाई, हिंदी में आ गया, इंग्लिश में आ गया, पता नहीं किस तरह से ये बनाया गया ऑफर लेटर है। अंडरटेकिंग आ गया इसमें हस्ताक्षर हिंदी में। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑफर लेटर आप देख रहे हो ना, ये ऑफर लेटर भाई सही नहीं है, सच्चाई बात ये है। ये ऑफर लेटर पता नहीं किस तरह से चिपकाया गया है। नीचे अगर बात करें तो सबसे बड़ी लोन रिक्वेस्ट डेट आ रही है, लोन का क्या चक्कर है भाई ऑफर लेटर में? कहीं लोन का कोई आज तक देखा आपने? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होता है, लेकिन इसमें डाल के रखा है। और बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑफर लेटर में कोई कंपनी का नाम नहीं है, सबसे बड़ी देखिए कितनी बड़ी मूर्खता की बात है भाई। यानी ऑफिस वाले ने ऑफर लेटर दे दिया, कंपनी का नाम नहीं लिखा यार, कंपनी का नाम नहीं लिखा, एम्प्लॉयर का नाम नहीं लिखा, यानी ऑफर लेटर भेज दिया, ये तेरा ऑफर लेटर है, इस पे लिखा है कि इस पे तू साइन करके इसको कोरियर से भेज दे। 29 पन्नों का ऑफर लेटर है, उसको कोरियर से भेजना वापस है, जबकि एम्प्लॉय का ऑफर लेटर पे नाम ही नहीं है, और कंपनी का नाम भी नहीं है, कंपनी का एड्रेस नहीं है, कौन सा ऑफर लेटर हो गया भाई? ये बंदा जिसका मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये बेचारा मलेशिया के नाम से पहले 2 साल से धक्का खा रहा है, पैसे इसके खराब हो गए, और फिर ये कतर के नाम से फिर लोग बेवकूफ बना रहे हैं, जबकि ये अपने आपको मैन पावर बताते हैं, बॉम्बे मैन पावर ऑफिस। मुझे उसका एड्रेस भेजा, मैंने उसको चेक किया, मैन पावर ऑफिस ही नहीं है उसका, मैन पावर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आ रहा है। देखो हद होती है, 40,000 रुपए ये हम कर देंगे सैलरी। तो भाई देखिए, जरूरी नहीं होता कि आप कनाडा सिंगापुर के नाम से बेवकूफ बनाए जा सकते हो, नहीं आप गल्फ के भी नाम से बनाए जा सकते हो। आगे भी दुबई से रिलेटेड में मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरे देखिए। और ऐसे अगर ऑफर लेटर आते हैं तो पहले चेक जरूर कर लें, करवा लें, वरना भाई आपके 20-30 हजार भी अगर 5 हजार भी गए ना तो ये मान लो गए, वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका। तो इनसे बचे, औरों को भी बचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।